अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, हम बना रहे हैं शाम की चाय, उसके साथ मैं बना रही हूँ पकोड़े। मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े तैयार होते हैं। मुझे आलू के पकोड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं अक्सर आलू के पकोड़े ही बनाती हूँ। ये थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा आलू के पकोड़े पसंद हैं। इसके अलावा हम लाए थे ग्रोसरी इम्तियाज़ मार्केट से, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इम्तियाज़ मार्केट में ग्रोसरी हमें बहुत सस्ती मिल जाती है, जो कीमत लिखी होती है उससे वो कम कीमत पे ही देते हैं, इसलिए हमारी बचत भी हो जाती है और हमारी चीज़ें भी अच्छी आती हैं। इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। ये हम लाए हैं, बड़ी बोतल है ये वोटिका की, तकरीबन 400 रुपये की पड़ती है ये। इसके अलावा ऑयल हम लाए हैं ईवो का। ईवो का ऑयल आम अगर आप दुकानदार से लो तो 420 का पैकेट देता है, लेकिन यहाँ पे हमें 350 का पैकेट मिल जाता है। शुगर लाए हैं हम 2 पैकेट। नीडो का डब्बा लाए हैं बड़ा वाला, इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 पैक होते हैं। ये हमें मिला है 1200 रुपये का। इसके अलावा दालें हैं, ये हैं सफ़ेद चने, काले चने, गंदम लाई हूँ मैं। गंदम और चने मिक्स करके बनाते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। साबुत मसूर की दाल है, बासमती राइस है, चाय की पत्ती है, स्पेगेटी है। और बिरयानी के लिए मैं सैला चावल ही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे सैला चावलों की बिरयानी अच्छी लगती है, इसलिए मैं वही पैकेट उठा के लाती हूँ। इसके अलावा आटा है, बच्चों के लिए कप केक है जो मेरे बच्चों ने आटे के साथ ही खोल दिए। सरफ है, सरफ एक्सल में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कपड़े धोने का साबुन भी है, मैं सरफ और साबुन मिक्स करके डालती हूँ, साबुन से दाग बड़ी जल्दी चला जाता है और कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें मिक्स इस्तेमाल करती हूँ। मैंगो जैम है, ये शूज़ के लिए पॉलिश लाए हैं, ये है तकरीबन 200 रुपये का। ये अच्छी क्वालिटी का है इसलिए ऐसा है, नहीं तो आम दुकानों में 100 रुपये का भी मिल जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बर्तन धोने का लिक्विड है, मिल्क पैक क्रीम मंगाई है मैंने, इससे मैं दाल मखनी की रेसिपी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। Thank you.
मछली मसाला तैयार हो गया है। मछली मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें लगा के रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तकरीबन 1 किलो मछली है। मछली मैंने इस्तेमाल करते हैं तो बाद में जो ऑयल बच जाता है वो ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैं कम ऑयल में इसे फ्राई करूँगी। मतलब हमारी लाइट भी चली गई थी, लाइट का बड़ा मसला। सर्दियाँ हुई लेकिन फिर भी लाइट बार बार जाती है। तो यही तक था हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल